हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग देख सकते हैं H4440 सिंगल आईसी बोर्ड है। आज मैं इसका वायरिंग आप लोगों को प्रॉपर करके दिखाऊंगा और इतनी आसान तरीके से बताऊंगा जो कि आप लोग आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें रेगुलेटर ट्रांजिस्टर इसी में लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है और इसमें एक डायोड लगा हुआ है। ये हमारी आईसी है जो 4440, जो कि आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 4440 आईसी है और इसकी वायरिंग एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे करना है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पर बने रहना। दोस्तों, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है और आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। दोस्तों पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सप्लाई के कनेक्शन लगाना है। पहले देखिए दोस्तों, हमारा 12 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, जो कि यहाँ पे एक डायोड लगा है 5408, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये निकलेगा। और उसके बाद दोस्तों, एक वायर हमारा ग्राउंड के लिए रहेगा जो कि कैपेसिटर का निगेटिव वाले पिन पर लगेगा, जो कि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। ये दो तार हमारा हो गया। और इसमें दोस्तों, हमें अगर जैसे कि रोकर स्विच लगाना है तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। डिस्प्ले पैनल लगाऊंगा जो कि अभी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें लगा देना है और इस तरफ भी इस तरीके से हमें यहाँ पे लगा देना है। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो और आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रोकर स्विच हो गया और ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई चला गया। तो दोस्तों, ये हमारा जो है 12 वोल्ट के लिए हो गया हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों, हमें स्पीकर का कनेक्शन निकालना है। इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर लग गया स्पीकर का और एक यहाँ पे लग गया। लगाऊंगा ये हमारा यहाँ पे ऑडियो के लिए, जो कि हमारा ऑडियो यहाँ से हम इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये तीन वायर लगा दिए। अब ये हमारा वायर जाएगा दोस्तों जो है इसमें, जो पोटेंशियल मीटर है, जो कि इसको लगाऊंगा। जो आप इसकी जगह जो है दोस्तों, आप 50 के लगा सकते हैं, मेरे पास जो है ये 100 के है, 100 के मैं लगा रहा हूं दोस्तों। अब इसकी जगह मैं इसको कनेक्शन करूंगा इसमें। ये दोस्तों, आउटपुट के लिए हमने कनेक्शन यहां पे लगा दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे इनपुट का कनेक्शन लगेगा, जो कि इसके लिए मैं आप ये वाला वायर लगाऊँगा जो कि तीन वाला कनेक्टर है। दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा बीच वाला। देखिए दोस्तों, ये बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाएगा ये वाला, और ये दोनों हमारा इनपुट के लिए कनेक्शन लग जाएगा। तो दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कनेक्शन कर देना है। और अब इसको हमें दोनों पे एक ही पे करना है, क्योंकि ये हमारा मोनो बोर्ड है, जो ये 4440 बोर्ड है, ये हमारा मोनो बोर्ड है। तो दोस्तों, हमें एक ही पे लगाना है। इस तरीके से हम लगा देंगे। अब दोस्तों, हमें 5 वोल्ट देने के लिए हमें लगाना है। 5 वोल्ट हमारा ये वाला पॉइंट है। तो दोस्तों, हमें 5 वोल्ट के लिए ये हमारा यहाँ से कनेक्शन निकलेगा, जो कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और हमें ग्राउंड दोस्तों यहाँ कर देते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं एकदम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया है। और हमारा ये स्पीकर हो गया। और दोस्तों, अब हम क्या लगाएंगे इसमें, ये देखिए दोस्तों, ये हम बिग डिस्प्ले वाला मॉड्यूल लगाएंगे, जो कि ये इसकी बड़ी डिस्प्ले है। और इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन यहाँ पर लग जाएगा। और दोस्तों, हमारा ये 5 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पर लग जाएगा। ये हमारा कनेक्शन हो गया। और इसके बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसमें एक नॉब लगा देना है, जो कि थोड़ा सा लुक इसका सही दिखेगा। अब दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे लग गया दोस्तों। अब एक वायर हमें इसमें लगाना है, इसको ग्राउंड देना है, इस बोर्ड को ग्राउंड देना है प्रॉपर इस बोर्ड से। दोस्तों, ये वायर लेंगे और यहाँ से इस बोर्ड में हम कनेक्शन देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ पे दे देना है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एकदम बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। अब ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों, हम इसमें 12 वोल्ट देंगे और इसमें स्पीकर लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगल स्पीकर है। तो दोस्तों, ये सिंगल स्पीकर के लिए इस तरीके से हमें कनेक्शन कर लेना है। और अब हम इसको जो है, और दोस्तों, इसमें 8 इंची का स्पीकर हम चला के आप लोग को दिखाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये बूफर है दोस्तों, और इसमें ट्रेबल कम आएगा। तो दोस्तों, इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे हमें
इस तरीके से हमें कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है और अब हम इसमें 12 वोल्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वॉल्यूम है जो कि हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है और यहाँ से अब बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आवाज़ काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और इस पर हम आईसी रखते हैं, तभी देखिए दोस्तों, सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसमें बास टेबल का जब हम कनेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैंने इसमें वॉल्यूम का ही कनेक्शन किया हूं, इसके बाद आप लोगों के लिए बास टेबल की कनेक्शन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।